मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं लहंगे की फिटिंग की। ये हमारा लहंगा है, इसकी कमर भी ज्यादा है और इसकी लेंथ भी ज्यादा है, तो हमें दोनों कम करना है। ये हमारे लहंगे की लंबाई है, इसकी लेंथ जो है ये भी ज्यादा है, यहाँ तक कमर आना चाहिए और ये इसका ये कमर भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर जो हम इस तरीके से इसको किनारे से ही सिल देते हैं तो हमारा ये चुन्नट यहाँ पर जाएगा तो अच्छी नहीं लगेगी, और अगर जो ये हम पूरी कली निकाल देते हैं तो मेरे नीचे का ये जो घेर है ये कम हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आइए हम बताते हैं आपको इसको, हमारी ये कली भी ना कम हो और नीचे का घेर भी ना कम हो और ये हमारा ये बेल्ट जो है ये भी सही हो जाए। तो अब हम बताते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ को कम करना है, हमारी 2 इंच है। अगर जो हमको 1 इंच इसकी लेंथ कम करनी है तो 1 इंच यहीं से कम हो जाएगा। 1 इंच हम नेपा के लिए एक यहाँ से सिलाई डाल देंगे तो और यहाँ पे नारा पड़ेगा तो हमारा 1 इंच इस तरीके से कम हो जाएगा। बट अगर जो हमको 2 इंच कम करना है, ये 2.5 इंच, तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो हमारी ये डिजाइन भी नहीं जाएगी। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब आइए बात करते हैं इसकी कमर की चौड़ाई की। इस कमर की लंबाई है 22 और हमें इस लहंगे की कमर की चौड़ाई है 22 और हमें 80 रखना है। तो 1, 2, 3, 4 इंच इधर और 4 इंच उधर, प्लस 8 इंच कम करनी है कमर की चौड़ाई। तो और हमारी ये जो कली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमें ज़्यादा कम करना है। बट अगर जो थोड़ा कम करना होता तो हम इसको इस तरीके से मोड़ देते, लेकिन अब हम इसको बेल्ट इसकी पूरी खोलते हैं इस तरीके से। इसमें कच्ची सिलाई लगी हुई है, ये हमारी पूरी पट्टी खुल गई है। अब हम इसको अंदर से इसे प्लेटें डालेंगे। इसको पलट दिया हमने, और 6-6 इंच पे इस तरीके से जो हमारी प्लेट पड़ी हुई है इसी पे 6 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच ये ऊपर चला जाएगा सिलाई में और ये 4 इंच तक बचेगा। ये हमारी कली है, कली पर भी हमें 6 इंच का निशान लगा देना इस तरीके से।
ये हमारी प्लेटें हैं कड़ी की जोड़ की, ये हमारी प्लेट है कली यहाँ पे जुड़ी हुई है, इसको हम इस तरीके से पलट देते हैं और यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। ये हमने जो निशान लगाया था इसी तरीके से इसको कड़ी इस। निशान तक हमें ये तिरछा लाना है इस तरह।
अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे इस तरीके से। हमारा एक साइड सिल गया है, अब इसको फोल्ड करके इस तरीके से हमको सिलना है। यहाँ पे हमको डबल सिलाई लगानी है। हो गई है ये फिनिशिंग जो है बाद में करेंगे, जो धागे निकले हुए हैं। तो अब इसको हम साइड जोड़ते हैं इसकी। चार इंच छोड़ के इस तरीके से निशान लगा लेते हैं 4 इंच पे।
आप यहाँ चाहें तो चैन भी लगा सकती हैं, इसमें चैन भी लगती है, पर मैं चैन नहीं लगा रही हूँ और इसको ऐसे सिल देती हूँ। पक्का करने के लिए हम इसमें कई सिलाई लगा देते हैं साथ। आप सिल गया है ये देखिए, और बेल्ट भी सिल गई है, इसको हम सीधा ये लेंगे कि फिटिंग हो गई है, पहनने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।